हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन के सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में सिस्टम रैम है वो तो सिस्टम रैम को आप कैसे चेक कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन शो हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स है इस तरीके से ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में सिस्टम रैम है तो सिस्टम रैम को आप कैसे चेक करेंगे, सिंपल आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना रैम। तो जो आपके फ़ोन में रैम है फ़ोन की, उसको चेक कैसे करेंगे? तो रैम को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ से भी आप फ़ोन रैम्स को चेक कर सकते हैं। सिंपल जो आपके फ़ोन की रैम है कुल टोटल 4 GB, 1 प्लस 1 GB, टोटल जो हमारी 5 GB एक्स्ट्रा में शो हो रही है, इसको आप चेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप फ़ोन रैम्स को चेक कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी फ़ोन रैम्स को चेक कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन शो बने आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स है कुछ इस तरीके से हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो जो फ़ोन की रैम है तो रैम को आप कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल आपकी सेटिंग शो हो रही है तो यहाँ से आपको जाना होगा अबाउट सेटिंग पे। तो और फोन सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा रैम। जो फ़ोन की रैम है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर शो हो रही है टोटल 4 GB प्लस 1 GB, मतलब टोटल 5 GB आपके फ़ोन में शो होती है, इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ़ोन रैम्स को चेक कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पर जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।